हेलो दोस्तों दोस्तों ये पार्ट थ्री और लास्ट वीडियो रहेगी अवार्ड्स 2022 के बारे में। ऑलरेडी हमने इस पर दो वीडियोस बनाई हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो वहां पर आप 2021 के भी अवार्ड्स से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप ये पूरी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रैमी अवार्ड से। तो दोस्तों साल 2022 के लिए जो ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे, ये 64th एडिशन थी ग्रैमी अवार्ड्स की और ये हेल्ड हुई थी MGM ग्रैंड गार्डन अरीना लॉस वेगस में 23 अप्रैल को ये हेल्ड हुई थी। ये अवार्ड जो हैं ये बेस्ट रिकॉर्डिंग कंपोजिशन और आर्टिस्टिक वर्क के लिए दिए जाते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी के बारे में तो ये 4 मई 1959 को हुई थी। बात करेंगे साल 2022 के अवार्ड्स के बारे में तो इसमें एल्बम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये मिला VR जॉन बिस्टेट अमेरिकन सिंगर को। इसके बाद सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये मिला लीव द डोर ओपन, और उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला लीव द डोर ओपन को, और इसके बाद बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला ओलिविया रोड रिगो अमेरिकन। और इसके बाद हम बात करेंगे न्यू एज एल्बम, तो ये अवार्ड मिला डिवाइन टाइडस के लिए रिकी कैश को, जो कि एक इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं। अब हम बात करेंगे बाफ्टा अवार्ड 2022 के बारे में और साल 2022 के लिए ये 75th एडिशन थी बाफ्टा अवार्ड्स की और ये हेल्ड हुई लंदन में। दोस्तों अगर हम बाफ्टा की बात करें तो बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स और इसको फाउंड किया गया था 1947 में। फर्स्ट बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी हेल्ड हुई थी 1949 में। अगर हम साल 2022 की बात करते हैं तो साल 2022 के लिए बाफ्टा बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला द पावर ऑफ द डॉग को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए। इसी तरह बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जोना स्कैनलन को आफ्टर लव के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला जेन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए, और बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज का जो अवार्ड है वो मिला ड्राइव माय कार को। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनस फिल्म फेस्टिवल 2022 के बारे में तो ये इसकी 75th एडिशन थी, इसको हेल्ड फ्रांस में किया गया और इनको फाउंड किया गया था 1946 में। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया की दीपिका पादुकोण इसमें जूरी मेंबर थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि पाम डी और जो कि कैनस फिल्म फेस्टिवल का हाईएस्ट प्राइज है वो मिला ट्रायंगल्स ऑफ सैडनेस को। इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला पार्क चैन वूक को डिसीजन टू लीव के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जार आमिर इब्राहिमी होली स्पाइडर के लिए, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला सॉन्ग कैंग हू को ब्रोकर के लिए। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है लियोल डी और 2022 जो कि एक डॉक्यूमेंट्री अवार्ड है ये मिला ऑल दैट ब्रीथ्स शोनक सेन जो कि इंडिया के हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री को। अब हम बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 के बारे में जिसकी साल 2022 में 68th एडिशन जो है वो कंडक्ट की गई और इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला तुलसीदास जूनियर को, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला सुरारी पुत्रू को, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड मिला टेस्टोनॉमी ऑफ एना को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला सुराराय पुत्रू को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला अर्पणा बाला मुरली को सुराराय पुत्रू के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला सचिनानंदन केआर को, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला राहुल देश पांडे को, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर मिला नचामा को, और बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला
संध्या राजू को और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ये अवार्ड मिला सुप्रीतम बोल को। इसके बाद है नोबेल प्राइज 2022। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इनके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, डिटेल्ड वीडियो बनाई है, किसको मिला, किस फील्ड में मिला और किस चीज़ के लिए मिला, तो वो हमने सारा आपको डिटेल्ड उस वीडियो में समझाया है। यहाँ पर अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर अच्छे से फिर से पढ़ सकते हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ ऑलरेडी लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दी गई है। तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट वीडियो साल 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।